हम बात करेंगे स्टैक की, और ये दो डेटा स्ट्रक्चर हैं जैसे कि स्टैक और क्यू है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न इन दोनों में ही होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इसको बिल्कुल जो रियल वर्ल्ड से इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो हमें जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टैक की बात कर रहे हैं, पहले स्टैक होता क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ डेटा मुझे स्टोर करना है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ, ठीक है। तो मैं स्टैक से इसको जब स्टोर करूँगा तो मैं किस तरीके से इस डेटा को स्टोर करूँगा तो वो आप देखें, ठीक है। फिर उसको ऑब्जर्व करके हम रिलेट करेंगे कि डेटा किस तरीके से स्टोर हुआ, ठीक है। तो स्टैक में हम स्टोर कर रहे हैं तो सिंपली जो हम जमाते हैं, ठीक है, जैसे बुक्स वगैरह जमाते हैं या फिर कोई भी हम अरेंजमेंट करते हैं, तो पहले मेरे पास 1 डेटा आया तो मैंने उसको इस तरीके से रख दिया, ठीक है। देन फिर डेटा 2 आया, उसको मैंने इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अब आप देखें, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व कैसे करें, ठीक है। तो पहले मेरा फर्स्ट डेटा था 1, ठीक है। तो पहला डेटा मेरा फर्स्ट इन हुआ, ठीक है, फर्स्ट जो डेटा है वो इन हुआ, ठीक है। देन फिर ये डेटा सेकंड आया तो मैंने डेटा सेकंड को इस तरीके से जमा दिया। देन फिर मेरा डेटा थर्ड आया तो मैंने डेटा थर्ड को इस तरीके से जमा दिया। देन फिर मेरा डेटा फोर्थ आया, क्योंकि ये लास्ट डेटा है तो ये लास्ट डेटा है तो मैंने इस तरीके से इस लास्ट डेटा को जमा दिया, ठीक है। तो ये लास्ट 4 है तो मेरा लास्ट जो डेटा आया वो लास्ट इन, ठीक है। लास्ट इन क्या हुआ, 4 हुआ, ठीक है। फर्स्ट इन क्या हुआ था, 1 हुआ था, डेटा 1 फर्स्ट इन हुआ था, और लास्ट इन जो हुआ डेटा 4 हुआ, ठीक है, लास्ट इन। अब मुझे ये डेटा मैंने जमा दिया, ठीक है, मतलब इंसर्ट कर दिया है मैंने स्टैक के अंदर, ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और इसको अगर स्टैक की फॉर्म में बोलें तो ये होता है मेरा ऐड, मतलब इंसर्ट करना, मतलब इस डेटा को ऐड करना, मतलब पुश ऑपरेशन, ठीक है। स्टैक के मामले में ये पुश ऑपरेशन होता है, अभी सिर्फ हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने लास्ट इन किया, मतलब ये फोर्थ जो है मैंने लास्ट इसमें इन हुआ, अब मैं इसको निकालता हूँ, मतलब पॉप ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट इन जो लास्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फोर्थ जो था मेरा लास्ट इन हुआ था, बट फोर्थ जो है मेरा फर्स्ट आउट हुआ, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेरा स्टैक है, और जो फर्स्ट डेटा है मेरा पहले स्टोर हुआ, मतलब फर्स्ट इन हुआ, तो अब वो मेरा डेटा कैसे निकलेगा देखें आप। 3 निकला, ठीक है, देन फिर 2 निकला, अब फिर मेरा 1 निकला, मतलब जो मेरा फर्स्ट इन हुआ था, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट इन हुआ था वो लास्ट आउट हुआ, फर्स्ट इन हुआ था वो मेरा लास्ट आउट हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो ये होता है हमारा स्टैक। ये बिल्कुल इजी भाषा में स्टैक मैंने आपको समझा दिया कि मेरा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, और इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें जो ऑपरेशन होते हैं स्टैक में, ऑपरेशन जो स्टैक में होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन जो स्टैक में होते हैं वो 2 ऑपरेशन होते हैं आपके, पहला ऑपरेशन पुश ऑपरेशन है और दूसरा ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन है। पुश ऑपरेशन मतलब सिंपली जो 1 मैंने स्टैक में ऐड किया, देन 2 ऐड किया, देन फिर मैंने 3 ऐड किया, देन फिर मैंने 4 ऐड किया, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन मतलब आपने ऐड कर दिया एलिमेंट स्टैक के अंदर। पॉप ऑपरेशन की मतलब ये निकालना, डिलीट करना है एलिमेंट्स को, ठीक है, ये निकाल देना है डेटा, ये निकाल देना, ये होता है पॉप ऑपरेशन। तो ये पुश और पॉप ऑपरेशन 2 ऑपरेशन होते हैं हमारे स्टैक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत ऑपरेशन होते हैं, ये मेन ऑपरेशन है पुश और पॉप ऑपरेशन। इसके अलावा आपको साइज चेक करनी है तो साइज आप चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, स्टैक एम्प्टी है या नहीं ये भी चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 ऑपरेशन हो गए, अब रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन से ये चीज़ पूछ ली जाती है, जैसे कि टॉप पॉइंटर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन हमें पता होनी चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन सिंपल सी ये है, अभी जो हमने जो देखा था उस तरीके में भी देखें आप, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टैक है, ये स्टैक है मेरा, ठीक है, और यहाँ से डेटा मेरे को इंटर करना है, ठीक है, ये डेटा इंटर होगा और यहीं से मेरा डेटा बाहर निकलेगा, मतलब पुश भी यहाँ से होना है और पॉपअप भी यहाँ से होना है, ठीक है। पुश और पॉप इस तरीके से ऑपरेशन मेरे अप्लाई होने हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये अगर मैंने अरे यूज़ किया तो इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से मेरा इंडेक्सिंग है। और एक मेरा होता है टॉप पॉइंटर, ठीक है, टॉप पॉइंटर, टॉप पॉइंटर इनिशियली -1 रहता है मेरा, ठीक है, ये एक पॉइंटर है, ठीक है, टॉप यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, टॉप यूज़ करता हूँ स्टैक के केस में, ठीक है, टॉप यूज़ करता हूँ स्टैक के केस। तो पॉइंट जो टॉप है मेरा वो -1 पे अभी -1 स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो जब मेरा पहला जो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पुश मतलब जब मैं इसमें डेटा स्टोर करूँगा, मान लीजिए पुश 5 किया मैंने,
तो पुश 5 करूँगा तो टॉप को जो मैं इंक्रीज कर दूंगा 1 से, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 मतलब टॉप की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 0 आ गई। अब मेरा टॉप क्या है, इस पोजीशन पे, टॉप जो है मेरा इस पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे। तो मैंने क्या किया, पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब अब मैं क्या करूँ, इस टॉप में मतलब इस स्टैक में, ठीक है, टॉप की जो जगह है मतलब ए टॉप की जगह स्टैक का नाम लिख दिया, उसकी जगह मैं 5 इंसर्ट कर दूँ, तो ये मेरा 5 इंसर्ट हुआ है। देन फिर मेरा टॉप यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट टाइम जब होगा फिर टॉप इंक्रीमेंट होगा, देन जो भी वैल्यू मुझे स्टोर करनी है यहाँ पे 10 आ जाएगी, देन फिर 15 आ जाएगी, देन फिर 20 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मेरा टॉप यहाँ पे आ जाएगा। ये तो मेरे पुश ऑपरेशन हुआ है, मतलब ऐड करता गया। अब मैं जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो मैंने पॉप 20 किया, ठीक है, पॉप 20 किया, तो ये जो डेटा है ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, और मेरा स्टैक जो हो जाएगा, जो इंक्रीज कर रहा था मैं, अब इस टॉप को डिक्रीमेंट बन कर से करूँगा, ठीक है, तो मेरा टॉप यहाँ पे आ जाएगा। तो एक ही जो पॉइंटर है, एक ही यूज़ करते हैं हम इसमें, वो करते हैं टॉप, ठीक है, यूज़ करते हैं टॉप, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन थी स्टैक की आपकी, और स्टैक को और भी नाम से आप बोल सकते हैं, और भी नाम से क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें इसमें पुश ऑपरेशन जो हो रहा है, ठीक है, जब पुश ऑपरेशन होता है तो जो स्टैक में जो आप डेटा इंसर्ट होता है वो डाउन साइड इंसर्ट होता है, ठीक है। पुश ऑपरेशन में सबसे पहले यहाँ पे होगा, देन फिर यहाँ पे स्टोर होगा, देन फिर यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं पुश, ठीक है, पुश डाउन, ठीक है, पुश डाउन लिस्ट, स्टैक को आप पुश डाउन लिस्ट भी बोल सकते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको स्टैक्स को अलग अलग डिफरेंटली बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये तीसरी चीज़ थी। अब चौथी चीज़ होती है एप्लीकेशंस, ठीक है, किन किन एप्लीकेशंस में स्टैक यूज़ होता है, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो स्टैक की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है मतलब कि 2-4-5 एप्लीकेशन हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस में स्टैक यूज़ होता है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सिर्फ उसकी बात करूँगा। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है इंपॉर्टेंट वो है बैक ट्रैकिंग, ठीक है। बैक ट्रैकिंग में स्टैक यूज़ होता है, मतलब जो मोस्ट रिसेंटली जो डेटा एक्सेस करना है, मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंटर होगा, अगर 20 मैंने स्टोर किया होगा तो ये मोस्ट रिसेंट डेटा को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये वहाँ पे बैक ट्रैकिंग मेरे को लिए काम में आ जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन स्टैक की बैक ट्रैकिंग है, ठीक है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो DFS है, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब ये डेप्थ फर्स्ट सर्च अगर आप बात करें तो यहाँ पे हम ग्राफ में देखेंगे, जब हम ट्रवर्सिंग देखेंगे तो ग्राफ में दो तरह की ट्रवर्सिंग होती है, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है, ठीक है, एक होती है ब्रिथ फर्स्ट सर्च BFS, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्टैक यूज़ करते हैं, और जब ब्रिथ फर्स्ट सर्च की बात करेंगे तो वहाँ पे क्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे DFS में भी आपका स्टैक यूज़ होता है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट हो गई। अब जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैं वो थोड़ी सी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको याद हो तो ठीक है, बट इतना आपको चलेगा, इतनी तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी थर्ड आप पार्सिंग में जब देखेंगे, सिंटैक्स एनालाइजर ऑफ जब यूज़ करते हैं आप सिंटैक्स एनालाइजर कंपाइलर में, तो वहाँ पे भी स्टैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक्सप्रेशन एवोल्यूशन में भी स्टैक यूज़ होता है, एक्सप्रेशन एवोल्यूशन में भी, जैसे कि अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो बहुत तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि आपका इन ऑर्डर एक्सप्रेशन हुआ है, ठीक है, इन ऑर्डर, या फिर आप इसको अगर जनरली इन ऑर्डर आप ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, इनफिक्स एक्सप्रेशन, और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को का एवोल्यूशन इनफिक्स, या फिर उसका जो कन्वर्जन होता है इनफिक्स से पोस्टफिक्स, या इनफिक्स से प्रीफिक्स, तो वो भी आप यहाँ पे एक्सप्रेशन एवोल्यूशन में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स के एक्सप्रेशन क्या होता है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन एवोल्यूशन में भी आपका स्टैक यूज़ होता है, ठीक है। फिफ्थ जो है टावर ऑफ हैनोई, ठीक है, टावर ऑफ हैनोई में भी आपको स्टैक यूज़ होता है, और ये जो टावर ऑफ हैनोई इम्प्लीमेंटेशन है इसमें आपको जो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी टावर ऑफ हैनोई की, ठीक है, वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मेन मेन इम्प्लीमेंटेशन थे, यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ये आपको पता होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझे, तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। जैसे कि अगर बात करें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, तो इसको पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को,
और तो ये सारी चीज़ें थी हमारे स्टैक के बारे में। अब हम देखते हैं क्यू। अब देख रहे हैं हम क्यू, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करूँगा, चाहे वो स्टैक हो, ग्राफ हो, ट्री हो, क्यू हो, सबकी इम्प्लीमेंटेशन जो है लिंक लिस्ट या फिर अरे से इम्प्लीमेंटेशन होगी। चाहे हम स्टैक की बात करें, क्यू की बात करें, ग्राफ की बात करें, ट्री की बात करें, सभी की इम्प्लीमेंटेशन अरे और लिंक लिस्ट से होगी। अरे या तो अरे से इम्प्लीमेंट करो या फिर लिंक लिस्ट। जब अरे से करेंगे तो स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होगी, और जब लिंक लिस्ट से करेंगे तो वो डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो वो बात नहीं करेंगे, हम बेसिक समझने की बात करेंगे। अब क्यू क्या है, ठीक है। तो अरे हमने स्टैक जो पढ़ लिया था, मतलब जो स्टैक में हम फर्स्ट इन कर रहे थे वो लास्ट आउट कर पा रहे थे, ठीक है। फर्स्ट इन को लास्ट आउट कर रहे थे, और दूसरी भाषा में बोलें तो लास्ट जो इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा स्टैक में। अब क्यू में क्या है, क्यू सिंपली जो हम एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस देखते हैं वो क्यू की एप्लीकेशन होती हैं। जैसे कि अगर आप पैसे निकालने के लिए बैंक की लाइन में लगे हैं, ठीक है, आप पैसे निकालने के लिए बैंक की लाइन में लगे हैं, तो आपको पहला टोकन दिया है तो मतलब आपका नंबर पहले आएगा, ठीक है। जब आपका नंबर पहले आएगा, आप पहले इन करेंगे बैंक में, तो पहले ही आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। पहले इन करेंगे बैंक में, पहले टोकन पे पैसे निकालने के लिए खड़े हैं एटीएम लाइन में, तो फर्स्ट आपको अगर टोकन वन मिला है तो पहले नंबर आएगा, तो पहले ही आप आउट होंगे। तो इसका मतलब ये है क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। और अगर इसको दूसरी भाषा में बोलें तो आप अगर आपको लास्ट टोकन मिला है, मतलब टोकन फोर्थ मिला है, तो आप लास्ट आउट होंगे, ठीक है। लास्ट इन होंगे तो लास्ट ही आपको आउट होंगे, ठीक है। तो ये क्यू के बारे में हुआ, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्यू, मतलब फर्स्ट जो इन हुआ वही फर्स्ट आउट होगा, ये होता है हमारा क्यू। अब यहाँ पे जो है क्यू में, इसको रिप्रेजेंटेशन से ही समझेंगे अब हम, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं क्यू की। तो इस तरीके से अगर बोलूँ मैं तो यहाँ पे ये है हमारा लाइन, ठीक है। ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये पहला नंबर है, पहले नंबर पे बंदा है, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और ये फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट फर्स्ट इन हुआ, ये फर्स्ट इन हुआ, तो यहाँ से ये फर्स्ट आउट हो जाएगा, पहले नंबर वाला, तो दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, फोर्थ नंबर वाला, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से हमने बात की थी, इम्प्लीमेंटेशन की बात करी थी। तो इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से कर सकते हैं, अरे से कर सकते हैं या फिर लिंक लिस्ट से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको बताने की किस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दो पॉइंटर हमारे यहाँ पे होते हैं। पहला पॉइंटर है हमारा रियर पॉइंटर, ठीक है। दूसरा जो पॉइंटर है हमारा है, वो पॉइंटर है हमारा फ्रंट पॉइंटर, रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर, ठीक है। तो दोनों का काम क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो रियर और फ्रंट, तो दो तरीके के ऑपरेशन यहाँ पे क्यू में होते हैं, ठीक है। इंसर्शन या फिर उसको एडिट करा, ठीक है। तो इंसर्शन को अलग बोलते हैं या फिर एडिशन को यहाँ पे अलग बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशन की बात करें क्यू में, तो ऑपरेशन यहाँ पे दो तरीके का ऑपरेशन है। पहला है एनक्यू ऑपरेशन, एनक्यू ऑपरेशन जिसको हम ऐड बोल सकते हैं कि ऐड कर रहे हैं क्यू में या फिर इंसर्ट कर रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। ऐड या फिर इंसर्ट, उसको एनक्यू ऑपरेशन बोलते हैं। और दूसरा होता है डिलीट के लिए ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं डीक्यू ऑपरेशन, ठीक है। डीक्यू ऑपरेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिलीट करने के लिए, ठीक है। डिलीट करने के लिए डीक्यू ऑपरेशन, एनक्यू ऑपरेशन इंसर्शन के लिए, डीक्यू ऑपरेशन डिलीशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंटर है, फ्रंट पॉइंटर है और रियर पॉइंटर है, ठीक है। तो दोनों ही अलग अलग यूज होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें एडिशन के लिए, ठीक है, तो ऐड जो होगा, ऐड होगा वन एंड से, और जो डिलीट होगा वो दूसरे एंड से डिलीट होता है, ठीक है। इंसर्शन जो है वन एंड से होता है, डिलीशन जो है वो अदर एंड से होता है, ठीक है। तो जो इंसर्शन होता है वो होता है रेयर एंड से, ठीक है। मतलब रेयर जो है वो यूज़ होता है इंसर्ट करने के लिए, मतलब एनक्यू करने के लिए, ठीक है, ऐड करने के लिए। और मोर जनरल अगर क्यू की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे एनक्यू, ठीक है। रेयर जो होता है वो इंसर्ट करने के लिए, मतलब ऐड करने के लिए रेयर यूज़ करते हैं। और डिलीट करने के लिए जो पॉइंटर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम फ्रंट, डिलीट करने के लिए फ्रंट यूज़ करते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए फ्रंट पॉइंटर यूज़ करते हैं। अब जैसे हमें अगर वैल्यू ऐड करनी है इस क्यू में, 5 और 10, ठीक है, 5 ऐड करनी है, तो एन क्यू 5 अगर हमने किया तो यहाँ पे रेयर जो है हमारे, रेयर और जो फ्रंट है दोनों ही हमारे पहले -1 पे रहते हैं, फ्रंट और रेयर -1 पे रहते हैं। ये चीज़ आपको नहीं जाननी है, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेशन इतना आपको पता होना चाहिए कि जो क्यू है उसमें एक एंड, ठीक है, एक एंड से जो है, वन एंड से जो है वो इंसर्शन होता है, ठीक है। इंसर्ट एट वन एंड एंड डिलीट एट अनदर एंड, डिलीट एट अनदर एंड, ठीक है। ये इंसर्ट एट वन एंड और डिलीट एट अनदर एंड, ठीक है। तो सिंपल सी अगर जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा वैल्यूज़ को, 4 वैल्यू, 5 इंसर्ट की मैंने,
ठीक है, फिर 10 इंसर्ट की, तो ये जो मेरा रेयर है, ठीक है, ये रेयर मेरा यहाँ पे होगा पहले, ठीक है, जी -1 पे होगा पहले, मैं इसको इंक्रीज करके 0 पे कर दूंगा, तो यहाँ पे 5 ऐड कर दूंगा, फिर 1 पे इंक्रीज़ करूंगा, 10 ऐड करूंगा, देन फिर एक इंक्रीमेंट करूंगा, 15 ऐड कर दूंगा यहाँ पे, देन फिर इंक्रीमेंट करूंगा, 20 ऐड कर दूंगा, तो मेरा ये रेयर है वो मेरा रेयर यहाँ पे आ गया। और अभी जो फ्रंट है मेरा वो 0 पे, देखो फर्स्ट जब मैं इंसर्ट करूंगा तो फ्रंट और रेयर दोनों को ही 0 पोजिशन, मतलब 1-1 इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो मेरा फ्रंट यहाँ पे है और रेयर मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो इंसर्शन जो है मैंने इंसर्शन या फिर इनक्यू जो मैंने कर दिया वो रेयर से कर दिया। अब मैं जब डिलीट करूँगा इनको, तो मुझे जब डिलीट करना होगा तो ये जो फ्रंट है, ठीक है, 5 है तो ये डिलीट करना है, तो जो फ्रंट है इसको फ्रंट को से मैं डिलीट करूँगा और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, तो जो डिलीशन मेरा है वो फ्रंट एंड से होता है और जो इंसर्शन होता है वो रियर एंड से होता है, ये हमारा क्यू है। ठीक है, अब इस क्यू में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्यू होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्यू की बात करें तो क्यू 3 टाइप्स के हमारे पास, सिंपल और लीनियर क्यू, डी क्यू और डबल क्यू, सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के क्यू हैं। सिंपल और लीनियर क्यू की बात करें तो जैसा कि हमने अभी बात की है कि ये हमारा क्यू है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हमारा है फ्रंट और दूसरा पॉइंटर है हमारा रेयर। ठीक है, तो एक पॉइंट मतलब रेयर जो है वो ऐड करने के लिए, मतलब एन क्यू करने के लिए, ठीक है, ऐड करने के लिए मतलब एन क्यू करने के लिए, और फ्रंट जो है डिलीट करने के लिए, मतलब डी क्यू करने के लिए। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए, तो रेयर मतलब एक एंड से तो आप डेटा को इंसर्ट करेंगे, वन एंड मतलब एक एंड से इंसर्ट करेंगे डेटा, ठीक है, और दूसरा एंड जो है वो फ्रंट एंड है, तो अदर एंड मतलब अदर एंड से डिलीट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट एट वन एंड एंड डिलीट एट अदर एंड। ठीक है, डी क्यू की बात करें, ठीक है, तो डी क्यू में भी पॉइंटर हमारे दो ही हैं, फ्रंट और रेयर है, बट जो फ्रंट है, ठीक है, इसमें तो क्या है कि रेयर पॉइंटर सिर्फ आपका ऐड करने के लिए काम में आएगा और फ्रंट एंटर जो है वो डिलीट करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, बट डी क्यू में ऐसा नहीं है, पॉइंटर दो ही है, फ्रंट एंड रेयर, बट फ्रंट और रेयर दोनों ही ऐड भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। इसी प्रकार जो रेयर है वो ऐड भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर अब मेरा फ्रंट यहाँ पे है और रेयर यहाँ पे है, और अगर मुझे रेयर से डिलीट करना है, मतलब पीछे से डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ डिलीट। ठीक है, और फ्रंट जो है वो ऐड करना है तो फ्रंट से ऐड भी कर सकते हैं, मतलब फ्रंट और जो रेयर है मेरे पॉइंटर्स वो एडिशन और डिलीशन दोनों का काम कर सकते हैं। मतलब जो इंसर्शन जो है, इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ एंड से पॉसिबल है। ठीक है, बोथ एंड, ठीक है, तो इंसर्शन और डिलीशन आप दोनों साइड से कर सकते हैं जब आप डी क्यू और डबल क्यू की बात करेंगे। ठीक है, सर्कुलर क्यू की बात करें तो सर्कुलर क्यू सिंपल है। सर्कुलर क्यू में अगर बात करें तो इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर क्यू, ये आपका सर्कुलर क्यू है, तो यहाँ पे हमारे फ्रंट है और ये रेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट जो डेटा स्टोर होगा उसके बाद जो हमारा फर्स्ट जो है, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट है डेटा, सेकंड डेटा है, देन थर्ड है, फिर फोर्थ है, फोर्थ के बाद जो है फर्स्ट डेटा आपका इस तरीके से स्टोर होता है, तो ये होता है आपका सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू भी कुछ इस तरीके से, तो आप देखें यहाँ पे सिर्फ इतना है कि अगर आप सिंपल क्यू यूज़ कर रहे हैं या फिर लीनियर क्यू यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्रंट जो है, फ्रंट से आप डिलीट करते हैं, रेयर से आप ऐड करते हैं। ठीक है, रेयर से ऐड करते हैं, बट अगर आप डबल क्यू यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों एंड से, ठीक है, यहाँ पे एक एंड से इंसर्ट होगा, दूसरे से डिलीट होगा, बट अगर आप डी क्यू की बात कर रहे हो तो दोनों ही एंड से आप डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डी क्यू। यहाँ पे एक और क्यू होता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ जो क्यू होता है वो होता है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू। अब ये प्रायोरिटी क्यू क्या होता है उसके बारे में थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू, जैसे कि अगर हम आते हैं क्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो क्यू में जो फर्स्ट इन होता है, मतलब पहले जो आएगा, मतलब पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये होता है प्रायोरिटी क्यू, ये होता है क्यू। ठीक है, क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आओ पहले पाओ। बट प्रायोरिटी क्यू हम जब यूज़ करते हैं तो जो हम रिमूव करना है डेटा को, ठीक है, तो डेटा को रिमूव जो कर जिस तरीके से करना है, तो वो रिमूव जो डिपेंड करता है वो करता है हाईएस्ट प्रायोरिटी डेटा की, हाईएस्ट प्रायोरिटी। मान लीजिए अगर मैंने जो डेटा स्टोर कर रखा है, मैंने 10 स्टोर कर रखा है, 20 और 16 स्टोर कर रखा है, ये मैंने वैल्यू स्टोर कर रखी है क्यू में, और मैंने यहाँ पे 10 जो है 10 को मैंने प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन कर दी, कि जो 10 की प्रायोरिटी है वो हाईएस्ट है इन सब में, तो सबसे पहले मेरा जो रिमूव होगा वो 10 रिमूव होगा। तो ये काम आपका करता है प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू में जो डेटा है उसकी प्रायोरिटी सेट की जाती है कि
अगर आपको कोई डेटा मतलब इम्पोर्टेंट है इस इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं आप कि पहले मैं इसको रिमूव करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रायोरिटी क्यू। अब कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे जो क्यू में यूज़ होती है। एप्लीकेशन ऑफ क्यू की बात करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्यू, तो एप्लीकेशन ऑफ क्यू की अगर बात करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो क्यू की इम्पोर्टेंट है वो BFS है। तो पहली एप्लीकेशन है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जो कि BFS जिसको बोलते हैं, जो कि ट्रेवर्सिंग मेथड है ग्राफ में, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्यू यूज़ होता है। इसके अलावा CPU शेड्यूलिंग में भी क्यू यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो CPU शेड्यूलिंग में भी क्यू यूज़ होता है। इसके अलावा राउटिंग एल्गोरिदम में भी आप इसका यूज़ करते हैं, या फिर कंप्यूटेशन ऑफ साइक्लिक ग्राफ जहाँ पे आप स्टैक भी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ दो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CPU शेड्यूलिंग या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS में भी आपका BFS में भी क्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।